अभी हम एक और चर्च देखने जा रहे हैं। यहाँ पे चाइनीज़ बहुत आ रहे हैं लोग, इतने मैंने कुआलालंपुर में नहीं देखे इतने यहाँ देख रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा चाइनीज़ यहाँ पे आ रहे हैं। Behind this gate, there, the stack outside gate there. Just follow the way there. The woman stand there up there. Just follow the way straight way up to the St. Paul up there. Okay. Yeah. Okay. Cannot inside this side. This one not up, because this inside was the gallery area. Okay. Thank you. Yeah. वो कहते हैं अंदर नहीं जाना, जो ये बाहर जो गैलरी बनी हुई ना, इधर से ही आप ने आगे आगे जाना है देखने के लिए। और इसका नाम है चर्च ऑफ सेंट पॉल मलक्का, चर्च ऑफ सेंट पॉल मलक्का। ये देखो सब चाइनीज़ ज़्यादा यहाँ पे है, चाइनीज़ हो रहा। जहाज वो रही मेरी, काफ़ी अच्छी जगह है। वो सामने सारा समुंदर, तो बारिश हो रही थी ना उसकी वजह से गीला है। ये देखो प्रणाली कैसे बनाए गए। लो जी हम पहुंच गए चर्च। ये चर्च तो बनी हुई है पर जब लगता पुरानी काफ़ी है, और इसकी दीवारें ही रह गई हैं, छत तो इसकी है ही नहीं। छत तो इसकी अब है नहीं, मे बी ये शायद डिज़ाइन है। ये देखिए क्या है इसमें, यहाँ पे कुछ है पर मुझे पता नहीं क्या है। अंदर कुछ है, गुफा भी बनी हुई है, लोगों ने उस पर पैसे मे बी कुछ हो, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। देख लो भाई, खोल के दिखा दिए मैंने आपको। देखिए चर्च, ये पत्थर पे कुछ तराशा गया है, पुर्तगाली लैंग्वेज है। ये देखो खतरा, खतरे का सिंबल भी है भाई यहाँ। चर्च की दीवारें देखो कितनी बड़ी कितनी है, वाह। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आ रही है समुंदर की, पानी की। इधर चलिए पीछे, दीवारें देखो आप कितनी मोटी हैं। पीछे पीछे वो मेरा ख्याल मे बी वो कब्रें बनी हुई हैं।
देखिए सबसे ज़्यादा जहाँ चाइनीज है।